अभिषेक ही नाम है ना? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, शुक्रा है, मतलब तीनों ही अच्छे लगते हैं। एक मिनट यहीं पे रुकना, यहीं रुकिए मैम, यहीं रुकिए, थोड़ा पीछे कर रहे हो। मैं कर रही हूँ, मतलब मैं तीन लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। किसको? अल्बेश, अभिषेक, अभिषेक ही नाम है ना? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फुकरा, फुकरा अभिषेक नाम है तो। हाँ हाँ, और मैं थैंक यू, उन लोगों को मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा फेवरेट फुकरा है, अल्बेश भी अच्छा लगता है, मनीषा देखना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा करो उनके लिए। पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपने पहला बिग बॉस देखा कैसा होता था? किसी पे कोई दबाव नहीं होता था। अभी क्या होता है कि जब आप बड़े ज्यादा फॉलोवर्स को वाले इंसान को लेके आते हो, यूट्यूबर की बात नहीं करती हूँ मैं सबकी बात कर रही हूँ। आप किसी को लेके आते हो तो आप जब लेके आते हो तो आप फिर मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि वो ना करे। तो देखो जिसके फॉलोवर्स है वो तो करेंगे ना भाई। अगर कोई मेरा फैन है तो मेरे लिए लड़ेगा, चाहे मैं गलत भी हूँ तब भी मेरे लिए लड़ेगा, खड़ा रहेगा। तो वही बात है, फिर ये मुद्दा रखो कि आप बड़े बड़े फॉलोवर्स वालों को मत लाओ, क्योंकि कल को फिर ये होगा कि अगर किसी को ट्रॉफी मिल गई और उसके फैंस को पसंद नहीं आया तो पिछले बार क्या हुआ था? पिछले बार यही चीजें हुआ था कि बाहर पेट्रोल लेके खड़े थे कि इसको ट्रॉफी मिलनी चाहिए वरना हम पूरा बिग बॉस को जला देंगे। ये चीजें हुई थी, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो फिर यही चीजें होंगी ना फिर तो, कि हम इसको हम पूरा बिग बॉस का सेट जला देंगे, फिर तो गुंडागर्दी हो रही है ना। तो उस चीज को मैं बोल रही हूँ कि चैनल को उस हिसाब से फिर कास्टिंग करनी चाहिए। सलमान सर सही है, मैं सलमान सर को नहीं बोल रही हूँ, मैं सलमान सर तो उल्टा समझा रहे हैं। हाँ, सलमान सर ने क्या बोला, आर्मी, आर्मी क्या होती है, जो देखभाल करती है चीजें। मतलब मुझे पता नहीं पूरा बात, जो मुझे दिखा है न्यूज में वो बता रही हूँ कि आर्मी क्या बोल, आर्मी लोगों की सेवा करती है, देखभाल करती है। तो आप क्या बोल रहे हो कि वो आर्मी ऐसा, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उस चीज़ पे सलमान सर बोलेंगे? मुझे भी बोलते थे, मुझे भी कितने डांटे लगी हैं। तो अगर सलमान सर डांट रहे हैं तो उसको कोई, मुझे नहीं लगता नेगेटिव लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि सलमान खान सर की सीख एक आपको नई दिशा देती है। अभी देखो सलमान सर की डांट की वजह से मेरे अंदर कितने बदलाव आए हैं, मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है बिकॉज ऑफ सलमान सर की डांट की वजह से। तो अगर चैनल कुछ सोचता है तो वो बहुत हद तक अच्छा ही सोचता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मेरा बात ये है कहने की, देखो मैं फुकरा को चाहती हूँ, हाँ, कि फुकरा, एल्विश और मनीषा, इन तीनों में से मैं चाहती हूँ कि तीनों में से कोई एक जीते। बट हाँ, मनीषा जीतेगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ब्रेक हो जाएगी चेन लोगों के जहन में, ये है ना, कॉमेडी नहीं जीतता, अरे आज तक कॉमेडियन का काम है सिर्फ कॉमेडियन का। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भाई जो कॉमेडियन है ना वो ही आपके शो को ना ऊपर लेके जाता है, आप समझ रहे हैं ना, तो उसका भी हक उतना ही बनता है जितना दूसरे का बनता है। और एल्विश को इसलिए क्योंकि कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है, तो एल्विश अगर जीता तो एक वो भी चैन ब्रेक हो जाएगी। और फुकरा इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, और कहते हैं ना जब स्टार्टिंग से एक जर्नी चलती है तो उस चीज़ पे लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या करते होंगे। तो अभिषेक इस वजह से, तो तीनों का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, तो तीनों में से कोई भी जीते, तीनों ही विनर है, बट तीनों में से कोई भी जीते मेरे को मतलब अच्छा लगेगा और हैप्पी।